This is tenses, lesson number 5. इस लेसन में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसकी उर्दू में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह. और इसका फार्मूला होगा बॉस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस टारगेट. यानी इसमें हम बॉस के साथ विल बी यूज़ करते हैं और आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस सीखे थे और उनमें हम हेल्पिंग वर्ब बॉस के साथ प्रेजेंट में इस आर यूज़ करते हैं जबकि पास्ट में वॉस फॉर यूज़ करते हैं. लेकिन कंटिन्यूस टेंसेस सभी में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस में एक्शन हो रहा होता है और अगर तो वो प्रेजेंट में हो रहा है तो इस आर एम यूज़ किए जाते हैं और अगर पास्ट में हो रहा था तो वॉस फॉर यूज़ किए जाते हैं और अगर फ्यूचर में हो रहा होगा तो विल भी यूज़ किया जाता है. लेकिन फॉर्म सभी में आईएनजी होती है. जैसे उर्दू में वर्ड रहा, रहा है या रहा था या रहा होगा. लफ्ज़ रहा जो है ये कंटिन्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह इंग्लिश में कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस है आयजा विल बी कुकिंग फूड. आयजा खाना बना रही होगी. इसमें आयजा के साथ विल बी यूज़ हुआ एंड देन आईएनजी फॉर्म. और यही अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो ये कुछ यूँ होगी आयजा इज़ कुकिंग फूड. आयजा खाना बना रही है. और अगर पास्ट में बात की जाए तो ये कुछ यूँ होगा आयजा वाज़ कुकिंग फूड. आयजा खाना बना रही थी. इसी तरह से अली एंड सारिम विल बी फायरिंग. अली और सारिम लड़ाई कर रहे होंगे. इसमें बॉस कौन है अली एंड सारिम एंड देन विल बी और फिर आईएनजी फॉर्म फायरिंग. एंड गेस्ट्स विल बी कमिंग. मेहमान आ रहे होंगे. इसमें बॉस कौन है गेस्ट्स एंड विल बी और आईएनजी फॉर्म कमिंग. और फिर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल बी के दरमियान में नॉट लगा देते हैं. विल नॉट बी जो कि बन जाता है वोंट बी क्योंकि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वोंट. सो विल नॉट बी वोंट बी. जैसे दे विल नॉट बी फायरिंग. वो लड़ाई नहीं कर रहे होंगे इसे हम कहेंगे दे वोंट बी फायरिंग. एंड He won't be going to America. वो अमेरिका नहीं जा रहा होगा. इसमें बॉस के बाद won't be लगा दिया गया है एंड देन ing form. He won't be going. And she won't be telling lie. वो झूठ नहीं बोल रही होगी. She won't be. बॉस के साथ won't be लिख दिया गया है एंड देन ing form. Telling a lie. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल बी में से विल को बॉस से पहले लिख देते हैं. विल को फिक्र के स्टार्ट में ले आते हैं. जैसे ये एक सिंपल सेंटेंस होगा यू विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. तुम कल स्कूल जा रहे होगे. लेकिन इसको सवालिया अंदाज में पूछने के लिए हम यूं कहेंगे विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. क्या तुम कल स्कूल जा रहे होगे. और मज़ीद इसके साथ अगर हम क्वेश्चन वर्ड अटैच करते कुछ जानने के लिए तो ये कुछ ऐसे होगा व्हेन विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. कल तुम स्कूल किस वक़्त जा रहे हो या कब जा रहे होगे. एंड विल अली बी अवेलेबल टुमारो. क्या कल अली अवेलेबल होगा. इसमें हमने विल से फिक्रा स्टार्ट किया देन बॉस और फिर बी. सिंपल सेंटेंसेस में हम बॉस के बाद विल बी यूज़ करते हैं. लेकिन इंटरोगेटिव में बॉस से पहले विल आ गया और बी बाद में ही रहेगा. और फिर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं लेकिन इसमें हमने अवेलेबल लिखा है. सो बी के बाद हम आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर लेते हैं और एडजेक्टिव्स भी. जैसे अवेलेबल एक एडजेक्टिव है. इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं विल अली बी प्रेजेंट टुमारो. प्रेजेंट भी एक एडजेक्टिव है. और इस तरह भी कह सकते हैं विल अली बी बिजी टुमारो. क्या अली कल बिजी होगा. सो बिजी वर्ड भी एक एडजेक्टिव है.